फोटोग्राफर वो साइड बैठिए, जरा वो साइड बैठिए। अरुण दुबे जी उस साइड हो जाइए, आपके बगल वाले सभी स्वयं सेवक हो, आप भी उस साइड हो जाइए। थोड़ा तोला मोनाची कुत्ती तुल्य बड़ मल्ला शनी बहाज छड़ी बच गया, दोनों बच गए। इतनी मेहनत किया लेकिन किसी को कोई पॉइंट नहीं। सर्वर रिकॉर्ड आले वाह, असत थरा जबरदस्त थरा। त्यानंतर फाइनल आहे, एकच फाइनल। ये बोलता नहीं लगाने की फिर से कोशिश की, रिकॉर्ड और वाह, एक अंक और बटर पॉइंट। और पंच जो कर रही है तो पूर्ण खेम लता घोड़ के एक नंबर मैदानावरती ती कुस्ती घ्या। व्यासपीठावरून बऱ्याच मंडळींना दोन नंबरचा आकडा दिसत नाही, जरा कुस्ती याच्यासाठी आलो ना आपण। अरे काय बाबा, ते बघ त्यांच्या बोर्डवर फोटो काढले परंपरेला साजेल सोबेल असं आयोजन मयूर कलाटे आणि सचिन भाऊ घोटकुले यांनी केलेलं आहे आणि मार्गदर्शक विजय काका मराठे, अर्धवीर काका पवार, विलासभाऊ पदवे साहब, अमोलजी बनाटे। पहिल्या सत्र की समाप्ती पर अमोल भोसले, रुस्तम हिंद, भारत केसरी विजय गावडे, अनेक मंडळींना आणि पुणे जिल्हा कुस्ती संघाच्या अध्यक्ष संदीप बाप्पा भोटवे यांच्या माध्यमिक योजनेतून पुणे जिल्ह्यातील ऑलिम्पिकच्या दिशेने वाटचाल करणारे पैलवान आदरणीय पवार साहेबांनी, तर महाराष्ट्रातल्या अभिजित कट्टी असेल, किरण भगत असेल, उत्कर्ष काळे असेल, गोगाणे, राहुल आवारे, सूरज कोकाटे या प्रेरणांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं ट्रेनिंग देण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेऊन आदर्श गुंड, आणखी एक साहेबांचा आवडता मल्ल आळंदीचा आदर्श गुंड दंगल हिरो किरण भगत, या सर्व पैलवानांना शास्त्रशुद्ध महाराष्ट्र केसरी अभिजित कटके, ही सर्व पैलवान मंडळींना पवार साहेबांनी पाठबळ दिलेलं आहे। निश्चित हे पैलवान ऑलिम्पिकच्या दिशेने पदक खेचून आणतील हा आत्मविश्वास सर्वांनाच आहे, अशी कामशूर मंडळी। त्यामुळंच शिवरायांची ही शिवशक्ती ओ जबरदस्त। स्कोर बोर्ड के सामने समाज कर लीजिए प्लीज, स्कोर बोर्ड के सामने स्कोर करो जरा, वो साइड हो जाएगा। बहुत सुंदर कुश्ती, बहुत सुंदर कुश्ती, बहुत बढ़िया। दाव पे दाव, देखिए बाजी पलट गई, पांच चार, पांच चार हो गया, पांच चार रेड का पांच हो गया। अभी कुछ भी हो सकता है, कोई पक्का नहीं है क्या होने वाला है। हाँ, क्योंकि अभी 3.5 मिनट समय बाकी है। और पांच चार के तहत ये कुश्ती का मुकाबला चल रहा है और दूसरे सत्र का फिलहाल 1 मिनट खत्म हुआ है और 3 मिनट कुश्ती बची है। कुछ भी हो सकता है, बहुत ही रिस्की टेक्निक लगाने में दोनों पहलवान माहिर हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं पहले पड़ाव में उन्होंने 4 अंकों की बढ़त बना ली थी और अचानक से अनिल कुमार ने अपने टेक्निक लगाना चालू कर दिया और 5 अंक मतलब 1 अंक की बढ़त बनाकर 5-4 मजदूर रोक दिया। इतनी ताकत ना होता है पहाड़ों और बंदर आशीष खड़खड़ी तबीयती मनोदया महाराष्ट्राच्या हिंदकेसरी ऑलिम्पिक वीर अशा पैलवानांच्या त्या आठवणी उद्या समोर राहतात। ते श्रीपती खनाळे, गणपतराव आंदळकर, मारुती पंडा पाटील, रेखेकर बाबांराव खोडे, रुस्तमी हिंद, हरिचंद्र बिराजदार, असे जाणे माने पैलवान कितीतरी महाराष्ट्र केसरी 43 महाराष्ट्र केसरी बालारपिक परवा 43वा महाराष्ट्र केसरी झाला। ही महाराष्ट्राच्या कुस्तीगीर परिषद आदरणीय पवार साहेबांची अध्यक्षतेखाली चालू आहे और ये बगल में हाथ
घुसाकर अनिल कुमार टेक्निक लगाने की कोशिश में और डिफेंस में, ताकि आप पहले भी देख सकते हैं कि टांग लगाने में माहिर है गुरप्रीत। बहुत ही बड़ा मुकाबला, अगर दंगल में ये कुश्ती ली जाए तो कम से कम 5 लाख के नीचे तो ये कुश्ती मिल नहीं जाती, और इतने कड़े मुकाबले हमें इस महाराष्ट्र की मिट्टी में। 1.5 मिनट मात्र बाकी है, हाँ लेकिन अभी बहुत है कुश्ती के लिए, 1.5 मिनट बहुत, 15 सेकंड बहुत होता है। बहुत ही बड़ी कुश्ती चली, 1 मिनट बाकी, 1 मिनट 5 सेकंड। लाल 5 नीला 4 तालियां बजा के आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। दर्शकों के लिए मेरी विनती है, बहुत ही कड़ा मुकाबला है, 5-4 मतलब कोई इतना भी डिफरेंस नहीं है, दोनों पहलवान बराबरी के लग रहे हैं। और मैं दर्शकों से बता देता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे समझ रहे कि महाराष्ट्र के बाहर का ही होगा, पर मी महाराष्ट्रातच आहे, मराठी मध्ये चांगला बोलतो, परंतु सगळ्यांना लक्षात द्यावं त्यासाठी मला हिंदी मध्ये बोलावं लागतंय। शेवटचे 15 सेकंद बाकी, आणि काही सेकंदात कुस्ती होऊ शकते तो प्रयत्न तसा करावा लागतो। हा निकल गई और लेकिन टाइम खत्म हुआ था और रेफरी टाइम समाप्त हो गया था, जरा तालियां बजा दोनों के लिए, काम किया लेकिन टाइम समाप्त। बरोबर है, एकदम करेक्ट, पंचर रेफरीज का तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा निर्णय।